हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस नॉलेज स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी की तीन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दो है वो तो फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर तीन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड आपके लिए क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स वो मैं पेन नोटबुक पर ले आया हूँ एक बेहतर नोट्स के साथ। तो आपके लिए मैं आपको इसी कॉपी से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देना करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर वन है, हमारे अमाशया में अम्ल की भूमिका क्या है। क्या फ्रेंड्स, हमारे अमाशया में अम्ल की भूमिका क्या है। ये जो क्वेश्चन जो है फ्रेंड आपके लिए बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड चार नंबरों में पूछा जाता है। किसमें फ्रेंड, चार नंबरों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर तीन क्वेश्चन है, तो फ्रेंड आपके लिए 12 नंबर की क्या है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये वीडियो जो है फ्रेंड आपके लिए 12 नंबरों में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो फ्रेंड इसका आंसर है, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। एसीएल अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। एसीएल अम्ल अमाशय को पचाने में सहायक करता है। क्या फ्रेंड्स, एसीएल अम्ल हमारे क्या फ्रेंड्स पचाने में सहायक करता है, किसके लिए, भोजन को। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या फ्रेंड, एसीएल हमारे भोजन को, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर फ्रेंड भोजन नहीं लिखा गया है। क्या फ्रेंड, भोजन को पचाने में सहायक करता है। एक बार और पढ़ के बता देता हूँ फ्रेंड्स माम के लिए, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। एसीएल अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। एसीएल अम्ल अमाशय भोजन को पचाने में सहायता करता है। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा है, पाचन पादप हार्मोन क्या है। क्या फ्रेंड्स, पादप हार्मोन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा है, पादप हार्मोन क्या है। तो फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं, पादप हार्मोन अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्त्रवित करते हैं जो पादप की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्त्रवित करते हैं जो पादप की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं फ्रेंड, मुझे उम्मीद आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा, जीन क्या है। क्या फ्रेंड, जीन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है जीन क्या होता है। तो जीन वह सूक्ष्मतम अनुवांशिक इकाई है जो गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए का एक भाग होता है तथा लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। एक बार पढ़ के और बता दिया हूँ जिससे आपके लिए अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो फ्रेंड, जीन वह सूक्ष्मतम अनुवांशिक इकाई है जो गुणों सूत्रों में उपस्थित डीएनए का एक भाग होता है तथा लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से स्थानांतरित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए फ्रेंड्स ये जो तीनों क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फ्रेंड आपके लिए इन्हें कहीं डाउट हो तो आप मुझे वीडियो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर सकते हैं कि। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद आपके लिए जो क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी अच्छे समझ आ गए होंगे। तो इन्हें फ्रेंड्स आएँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इन्हें नोटबुक से नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फ्रेंड आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा टारगेट लाइक टारगेट है वो ऑलरेडी 50 से कितना फ्रेंड 50 लाइक टारगेट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।